हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि के है सातवां दिन। तो आज मैं सप्तमी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे तैयारी करते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैं अपने भगवान जी के लिए पुष्प की माला बना रही हूँ। और ये देखिए, एक फूल खराब था तो उसको मैं बाहर रखाई, और फिर मैं दूसरे माला बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एक भगवान जी के लिए और एक कलश के लिए, क्योंकि कलश में ही 56 कोटि देवता की वास होता है। तो हम पुष्प की माला बना रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि नवरात्रि में श्रद्धा और भक्ति से भक्ति करने से करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ कि ये नवरात्रि मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा श्रद्धा बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं फूल की माला बना रही हूँ। और आप लोग कैसे पूजा करते हैं ये हमको ज़रूर बताइएगा। और जो भी हो आप लोग, अरे देखिए, मैं धागा तोड़ ली और माला को बांध के अब रेडी कर दी। ये माला है कलश के लिए। देखिए, मैं माला बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखिए कैसा लगा मेरा माला, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब चलिए पूजा करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ। पहले मैं भगवान जी का आगमन कर रही हूँ, ताकि भगवान जी आए और अपने स्थान पर, ताकि हम उनका श्रद्धा से पूजा पाठ कर सकें। और जो भी गलती है उसके लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं, कुछ भी पूजा में गलती होगा तो वो लोग माफ़ कर देंगे। और ये देखिए, गंगा जल जो भगवान जी के ऊपर छिड़केंगे और भगवान जी को शुद्ध करेंगे, क्योंकि हर रोज़ हम गंगा जल पहले ही छिड़क करके फिर हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं ये बताइएगा ज़रूर। और मुझे कोई भी गलती हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लीजिए, भगवान जी के ऊपर गंगा जल छिड़क दी। अब इसका ढक्कन लगा के अब इसको बंद करके रख दूंगी, ताकि गंगा जल गिरे ना। ये देखिए, मैं भगवान जी के फूल के माला पहनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा माला छोटा हो गया था, लेकिन क्या करें, कैसे भी एडजस्ट कर ली। थोड़ा सा नीचे कर दी हूँ तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा माला छोटा हो गया था। ये देखिए, मैं भगवान जी माला पहन ली, और एक ये जो है उसको कलश में डाल दूंगी। आप लोग भी कलश को माला ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कलश में ही 56 कोटि देवता का वास होता है। इसलिए कलश को भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना भगवान को देते हैं, क्योंकि 56 कोटि के देवता इसी कलश में विराजमान होते हैं। तो
तभी तो हम लोग फर्स्ट दिन कलश स्थापन करके ही पूजा करते हैं, हर भगवान को आवाहन करते हैं, फिर पूजा करते हैं। और आज सप्तमी है, तो सप्तमी के दिन तो आप लोग को तो पता ही है कि सिंदूर उन्दूर सब लगता है माता रानी को, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो फर्स्ट दिन लगता है, उसके बाद नहीं लगता है, फिर सप्तमी के दिन लगेगा, माता रानी को भी लगेगा और हम लोग भी लगाएंगे। तो मैं माता रानी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई मूर्ति उर्ति तो रखाता नहीं है, जो मैं वहाँ जाऊँगी घर में ही अपना पूरा विधि से कर रही हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं ये बताइएगा ज़रूर। और हाँ फ्रेंड्स, माता रानी को सिंदूर लगा के कभी भी पूजा कीजिएगा तो भगवान को लगा करके वही उंगली अपने मांग में भी भर लीजिएगा, क्योंकि वही भगवान का आशीर्वाद होता है। आप लोग ऐसे करते हैं कि नहीं बताइएगा ज़रूर। नीचे भी रखे हूँ छोटे छोटे भगवान जी, उन्हीं को सिंदूर लगा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने मांग में भर रही हूँ, क्योंकि माता रानी का यही चरण का प्रसाद है। तो आप लोग भी कभी भी भगवान जी को सिंदूर लगाइएगा, वही उंगली अपने सर पे भी लगा लीजिएगा, क्योंकि वही आशीर्वाद होता है। और ये देखिए, मैं आज सप्तमी का दिन है ना, तो भगवान जी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ता है, तो मैं भगवान जी के लिए वस्त्र लाई थी और सारा श्रृंगार का सामान भी लाई हूँ। तो वही भगवान जी को अर्पण कर रही हूँ माता रानी को, ताकि माता रानी सुहाग जन्म जन्मांतर तक बना के रखे, हर चीज़ चढ़ाई हूँ। ये देखिए पौरांगा है, मेहंदी है और सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, सब कुछ जो भी श्रृंगार में आता है जितना हुआ उतना मैं माता रानी को चढ़ाई, काजल वाजल सब चीज़ चढ़ा दी श्रृंगार का। आप लोग भी देखिए और देखिए कि आप लोग कैसे करते हैं, मैं कैसे करती हूँ। अगर मैं सही करती हूँ तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ गलती हुआ है तो उसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हम लोग ऐसे करते हैं और आप ऐसे कर रही हैं। हर चीज़ मैं दो दो चढ़ाई हूँ, क्योंकि एक मैं अपने लिए रखूँगी और एक मंदिर में दे दूँगी, क्योंकि सुहाग का चीज़ देना अच्छा होता है। तो आप लोग भी ज़रूर दीजिएगा, कभी मौका मिले सुहाग के चीज़ का दान करने का तो दान ज़रूर कीजिएगा सुहाग के चीज़। तो इसलिए मैं हर चीज़ दो दो चढ़ाई हूँ, ताकि एक मैं अपने लिए रख सकूँ और एक मंदिर में दे दूँ। अब ये लीजिए, मैं पुष्प अर्पण करने जा रही हूँ भगवान जी को। फूल बाजार का था तो मैं धो ली हूँ और इसमें पानी है, तो वहीं मैं झाड़ झाड़ के भगवान जी लोग को चढ़ा रही हूँ, ताकि भगवान जी लोग भीगे ना। कहते हैं बाजार का फूल है ना, तो सब फूल खराब था, तो भगवान जी को खराब चीज़ कैसे अर्पण करूँ, तो इसलिए सब मैं देख देख के तो मैं चढ़ा रही हूँ। Mm-hmm.
हो गया, भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दे, अब भोग की तैयारी करूंगी। अभी लीजिए, अब मैं जा रही हूँ जो फल रखी हूँ उसको धुल के लाने, ताकि धुलेंगे तभी तो भगवान जी के लिए भोग चढ़ाएंगे। केला ले ली और यहाँ से मैं निकाल रही हूँ सेब। हाथ में नहीं अट रहा था ना, बड़ा बड़ा सेब है तो इसलिए मैं पन्नी में डाल के ले जा रही हूँ धोने के लिए, ताकि धो के ला के तो भगवान जी को चढ़ा सकूँ। ये लीजिए, अब मैं जल्दी धोने के लिए धो के भी आ गई। अब मैं पहले दीपक जलाऊंगी, फिर भगवान जी के भोग के तैयार करूंगी। तो ये लीजिए, मैं यहाँ पे दीपक जलाने की शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा ज़रूर। ये है धूपबत्ती, देखिए मैं दिया जला ली और भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग ली, ताकि भगवान जी कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। ये अखंड ज्योत है ना, तो उसी का बाती ऊपर कर रही हूँ, तो वो धीमा हो गया। मैं अखंड ज्योत जलाती हूँ 9 दिन के लिए, तो उसी का बाती ऊपर कर रही हूँ। आप सबको तो पता ही है कि हम लोग कितना भगवान जी से डरते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर पूजा करते हैं तो ऐसे मतलब चुपचाप मत किया कीजिए, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम लेते रहिए। मैं भी ले लेके कर रही हूँ। ये लीजिए, अच्छा था ये। ये गणेश जी का स्थापना की हूँ, वो सुपारी से, गौरी गणेश का, तो इनका नहीं की थी पूजन, तो वही मैं कर रही हूँ। और इसमें भगवान जी के भोग लगाएंगे। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ताकि भगवान जी के भोग में कुछ ऐसी ना हो। अच्छे से साफ करके, स्वच्छ करके तब
भोग लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब खाते हैं तो अच्छे से साफ करके खाते हैं, तो भगवान जी के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैं सारा प्लेट को पोछ रही हूँ, क्योंकि धुली थी तो उसमें पानी लगा था, तो मैं उसको धुल रही, उसको पोछ के तब डाल रही हूँ। और हाँ, आज काल रात्रि माँ का पूजा है, तो आप लोग गुड़ का ज़रूर भोग लगाइएगा, क्योंकि मैं भी लगा रही हूँ। फल फ्रूट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन गुड़ उसमें थोड़ा सा डाल लीजिएगा। देखिए मैं पहले गुड़ का भोग लगा रही हूँ। ढक्कन बंद करके रख दी, और अब फल जो भी हो आपके पास वो लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास केला और सेब है तो मैं उसी का लगा रही हूँ। तो आप लोग के पास जो भी हो, भगवान जी ये नहीं करते हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए। तो मेरे पास केला और सेब था तो मैं वही लगा दी। आप लोग के पास जो भी होगा आप लोग अपना देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा, लेकिन पूजा ज़रूर कीजिएगा। और एक और केला जो है ना, वो है ना गणेश जी और गौरी गणेश जी का स्थापना की हूँ, तो उसके लिए मैं धुल के लाई और गौरी गणेश जी को अर्पण कर दी। तो आप लोग गौरी गणेश जी पीतल के रखे हैं, चांदी के रखे हैं, या जो भी रखे हैं, लेकिन मैं तो वो सुपारी का ही बनाई हूँ। और लीजिए मैं सेव अर्पण कर दी भगवान जी को। और भोग लगा लीजिएगा, फिर भगवान जी को हाथ जोड़ के और बुला लीजिएगा कि भगवान जी आइए और भोग लगा लीजिए, क्योंकि मुझे जो श्रद्धा हुआ मैं वही आपके चरण में लेकर के आई हूँ। और प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कीजिए और भोग को अच्छे से ग्रहण कीजिए। और ये देखिए लौंग और इलायची, माता रानी के पूजा में कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आज सप्तमी है ना। तो आप लोग के यहाँ पता नहीं कैसे होता है, हम लोग के यहाँ तो एकम से लेकर और चौथी तक मतलब एक ही किलो इलायची का भोग लगता है, फिर पंचमी से पाँच, षष्ठी को छः, और आज सप्तमी है तो सात का भोग लगाएंगे, फिर कल अष्टमी है तो आठ लगेगा, फिर नौमी हुआ तो नौ नौ भोग लगाएंगे। हम लोग के यहाँ तो ऐसे होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता है ये बताइएगा ज़रूर। आप लोग कैसे लगाते हैं, अगर नहीं है तो माता रानी एक एक पे भी प्रसन्न हो जाएगी, बाकी अपना सब देख करके तभी कीजिएगा, क्योंकि माता रानी अगर उतना दी है तो सब कुछ अच्छे से कीजिए, नहीं तो माता रानी ये नहीं कहती है कि हाँ इतना से करो, इतनी भी है उतने में भी माता रानी खुश हो जाती है। भोग लगा लीजिए, उसके बाद घंटी बजा के भगवान को आह्वान कीजिए कि भगवान आइए और भोग लगाइए, मैं जो भी श्रद्धा से लाई हूँ उसका भोग ग्रहण कीजिए। और माफ़ी मांग लीजिए गुड़ ला के, और माफ़ी मांग लीजिए कि हे भगवान जी कुछ भी अगर गलती हुआ हो तो उसको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में जो भी श्रद्धा हुआ मुझे जितना ही पता था उतना ही को मैं प्रेम पूर्वक आपके सामने रखी हूँ, आप मेरा यह भोग स्वीकार कीजिए। और ऐसे करके भगवान जी से माफ़ी मांग लीजिएगा। अब ये देखिए मैं सप्तमी की पूजा तैयारी कर ली, और देख लीजिए आप लोगों को अगर इसमें से कुछ कमी लग रहा हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे तो इतना ही पता था, अगर आप लोग बताएंगे अगर इसमें कुछ कमी होगा तो पता चलेगा, तो मैं और आगे से अच्छे से कर लूँगी। और पता है जो मतलब माता रानी है उनको सिंदूर लगाइएगा, और जो ऐसे बजरंगबली, शंकर जी, नारायण भगवान, जो भी मतलब भगवान जी लोग हैं
उनको चंदन अर्पित कीजिएगा। मैं चंदन हो रोली हो मतलब वही अर्पित कीजिएगा, क्योंकि मैं वही अर्पित कर रही हूँ। पहले तो मैं सिंदूर लगा दी माता रानी लोग को और अब भगवान जी लोग को चंदन अर्पित कर रही हूँ। ये लीजिए मैं रोली अर्पण कर दी। और भगवान जी से संकल्प लीजिए कि भैया भगवान जी, हे माता रानी, मैं पाठ करने जा रही हूँ, उसमें कुछ भी त्रुटि हो कुछ भी हो तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं ना पूजा पाठ कुछ नहीं जानती हूँ। और इस प्रकार से क्षमा मांगिए और पाठ को शुरू कीजिए। तो चलिए पाठ सुनते हैं और फिर आप लोग भी सुनिए। तो यहाँ पाठ हो गया ख़त्म, अब मैं आरती की तैयारी करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी सासू माँ और ये मेरे पति देव जी, दोनों आदमी जा रहे हैं आरती करने। ये आरती की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कपूर है ना, तो कपूर निकालने, बिना कपूर का आरती मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान का आरती कभी भी बिना कपूर के नहीं करते हैं। तो आप लोग पूजा में कपूर ज़रूर रखिएगा। ये देखिए मैं कपूर निकाल दी। पूजा कभी भी कीजिएगा तो सर पे पल्लू डाल लीजिएगा, क्योंकि सर ढक के ही पूजा करना चाहिए। अब भगवान जी को आवाहन कीजिए कि हे भगवान जी, मैं जा रही हूँ आरती करने। ये लीजिए मेरी सासू माँ भी आ गई आरती करने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं आरती करने। ये मेरी सासू है।